और देखिए फोर्सों से एक और बड़ी खबर आ रही है। 73वें दिन यूक्रेन की तरफ से रूसी सैन्य काफले पर बड़ा हमला किया गया है। रूसी काफले पर यूक्रेन की 25वीं ब्रिगेड का बड़ा हमला। रूस के T-72B3 टैंक समेत पूरा सैन्य काफिला तबाह किया गया है। राजधानी कीव से अपनी सेना पीछे खींचने के बाद रूस का पूरा फोकस अब पूर्वी यूक्रेन पर है। यूक्रेन हाथ से ना गंवाना पड़े इसके लिए रशियन आर्मी ने अब डोनबास इलाके में निर्णायक जंग शुरू कर दी है। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से रूस को मुंह तोड़ जवाब मिला है। कई इलाकों में यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों पर भारी पड़ती दिख रही है। लुहांस में रूसी सैनिकों के T-72B3 टैंक पर बारूद बरसाने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने एक बार फिर से रूस के T-72B3 टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सैनिक बारूदी आग बरसाकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि जंग का मैदान पूर्वी यूक्रेन का बताया जा रहा है, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने रशियन आर्मी पर पलटवार करते हुए T-72B3 टैंक को एक झटके में तबाह कर दिया। यूक्रेन की 25वीं ब्रिगेड ने पूर्वी यूक्रेन में रूसी काफिले को निशाना बनाया और रूस के टैंक समेत पूरा सैन्य काफिला उड़ा दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।